गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्टेड क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश और इसमें आज हमारा यूनिट वन अ हैप्पी चाइल्ड और उसका क्वेश्चन हमने आगे देखा था और उसके यहाँ पे नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 19। पेस्ट एट लेस्ट फोर पिक्चर्स ऑफ फार्म एनिमल्स, जंगल एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स। चलो यहाँ पे आपको एक फार्म का एक पिक्चर्स दिया है तो इसमें आपको क्या करना है, फोर्थ पिक्चर्स फार्म एनिमल्स की लगानी है। आप रेडीमेड स्टिकर स्टेशनरी में अवेलेबल होते हैं ना, आप फार्म में जो रहते हैं गोट है, काव है, फिर ओक्स, फिर हॉर्स, ऐसे फोर्थ पिक्चर लिख कर यहाँ पे आपको जो भी जगह पे चिपकाना हो यहाँ पे आपको स्टिक कर देना है। कोई भी फोर्थ ले लेनी है और यहाँ पे आपको ये स्टिक कर देना है। आप हॉर्स का है, फिर सीप है, गोट है, काव है, ए फोर्थ कोई भी, और आपकी बुक में भी जो आगे दिए हैं ना उसमें से आप सेरोक्स करा के यहाँ पे इस तरह से चिपका सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे फोर्थ पिक्चर्स लगा लेनी है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप इसमें ए गोट है, ए सीप है, ए हॉर्स है, इस तरह का भी आप पिक्चर इसमें लगा सकते हैं। ओके, जो मेरा फार्म वाला दिखाई देगा आपने इसमें। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। चलो यहाँ पे और नेक्स्ट में क्या दिया है आपको, जंगल। जंगल वाला आपको एक पिक्चर दिया है, इसमें क्या करना है आपको, जंगल वाले एनिमल्स के स्टिकर रेडीमेड ओनली 5 या 10 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएंगे। आप ये सब नहीं करना है तो आप इसमें से देखो जेरोक्स करा करें तो 1 रुपये की या 2 रुपये की हो जाएंगी। तो इसमें से आप कोई भी जंगल एनिमल्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स उसका पिक्चर लेकर जेरोक्स लेकर यहाँ पे आप चिपका सकते हैं। तो इसमें लायन आएगा, फिर रेबिट है, टाइगर है, फिर डियर है, इस तरह का कुछ छोटे छोटे एकदम छोटे वाले साइज वाले यहाँ पे आप पिक्चर चिपका सकते हैं, क्योंकि ये पिक्चर में इस यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए आप कोई भी छोटे छोटे स्टिकर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वाटर, मतलब जो पानी में रहते हैं वो एनिमल्स कौन से होते हैं, तो फ्रॉग है, फिश है, फिर इसमें भी आप फोर्थ पिक्चर एनिमल्स की लगा सकते हैं। फिर फिश है, फ्रॉग, फिर जो स्नेक रहते हैं पानी में वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर ऑक्टोपस है, इस तरह के कोई भी आप फोर्थ एनिमल्स के जो पानी में रहते हैं उसका पिक्चर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसमें भी आप क्या करना है, एकदम छोटे छोटे पिक्चर लगा सकते हैं क्योंकि पानी में यहाँ पे स्पेस हमें कम दी है इसलिए बड़े बड़े पिक्चर्स के यहाँ पे नहीं चिपकेंगे इसलिए। ठीक है, तो चलो एक एक्टिविटी आपको होमवर्क पर कर लेनी है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, लुक, लिसन एंड रिपीट। चलो पहले हमें एक बार रीड कर लेते हैं। अ कैट म्याउंस, मतलब जो भी एनिमल्स है वो कैसे आवाज़ में बोलता है वो हमें यहाँ पे देखना है। अ डॉग बार्क्स, अ काउ माउंस, अ गोट ब्लेट्स, अ लायन रोर्स, अ पिग ग्रंट्स, अ शीप ब्लेट्स, अ डोंकी ब्रेस। चलो यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल करेक्ट वर्ड्स। तो चलो यहाँ पे एक कौन है, गोट, तो गोट किस आवाज निकलती है, मुंह या ब्लेड, तो हमने यहाँ पे देखा ना अ गोट ब्लेड्स ब्लेड। तो यहाँ पे हम वर्ड्स में क्या करना है, हमें सर्कल करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या किया है इन्फॉर्मेशन में, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। तो फिर नेक्स्ट क्या है, डोंकी, डोंकी कौन सा आवाज काटता है, तो के ब्रेस, तो यहाँ पे हम ब्रेस पर कर देंगे ब्रे। फिर सिप ब्लेड ब्लेड ब्लेड्स, तो यहाँ पे ब्लेड पर सर्कल कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, चलो इसमें काउ है वो मो मो बोलती है, म्याऊ म्याऊ नहीं बोलती है, तो इसमें सर्कल कर देंगे हम। फिर पिग है, वी ग्रंट ग्रंट्स बोलता है, तो उसका आवाज़ कैसा होता है, ग्रंट ग्रंट ऐसा होता है, तो इसमें सर्कल कर देंगे हम। फिर डॉग है वो बाऊ बाऊ करता है ना, तो इसको इंग्लिश में उसका वर्ड्स होता है बार्क, तो इसमें हम कर देंगे सर्कल। फिर लायन है वो एकदम कैसा तराड़ करता है, व्राउ व्राउ बड़ी बड़ी, तो उसका वर्ड्स होता है रोवर उसका, तो इसमें हम सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, कैट, द कैट म्याऊ म्याऊ बोलती है, म्याऊ म्याऊ करते हैं ना, तो उसमें हम कर देंगे म्याऊ पर सर्कल। तो इस तरह से आपको एक करेक्ट वर्ड्स में क्या कर देना है, सर्कल करना है और एक कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम।
चलो इसमें आपको लुक एंड ड्रॉ, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए फर्स्ट में आपको एक एग्जांपल दिया है, इस तरह की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और ये कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको ये तीन लाइन दी है इस तरह की, तो आपको ये तीन लाइन कर देनी है। फिर यहाँ पे आडी दी है तो यहाँ पे इस तरह की, फिर इस तरह की, फिर इस तरह की, आपको भी अपनी वर्कबुक पर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर नेक्स्ट है इस वाला शेप, तो ये भी आपको पहले लाइन ज्वाइंट करके यहाँ पे एक कंप्लीट करना है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है अपनी वर्कबुक पर। मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया इस तरह के, ठीक है। देखो इसमें भी कुछ इस तरह का शेप है, तो ये मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको ये कर लेना है, पहले छेंट कर देना है सभी, फिर यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। अब ओके, चलो इस तरह से आप भी अपनी वर्कबुक पर कंप्लीट कर लेना। फिर नेक्स्ट देखो इस तरह का शेप है, तो यहाँ पे भी इस तरह से कर लेना है। देखो ये आपको भी अपनी वर्कबुक पर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और एक बार ये पैटर्न सभी सीखनी भी है। ओके, चलो इसमें ABCD रीड एंड लेट राइट, मतलब ए एक बार रीड करनी है, फिर उसको लिखना है इस तरह से, ए ए बी ए सी ए डी। चलो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पे ई, चलो यहाँ पे एच ई ए एच। चलो इस तरह से आपको ये सभी ABCD के लेटर्स कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो यहाँ पे काउंट एंड राइट, चलो एफ काउंट करना है, फिर उसका यहाँ पे हमें नंबर लिखना है। तो चलो यहाँ पे वन है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन, ओ एन ई वन। फिर टू, तो टू है वन और टू, टी डब्ल्यू ओ टू। फिर ये कितने हैं, थ्री, वन टू एंड थ्री, तो यहाँ पे थ्री, टी एच आर, और यहाँ पे ई, ये थ्री। फिर ये कितने हैं, फोर, एफ ओ यू आर फोर। तो चलो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर लिख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो यहाँ पे कितने हैं, फाइव, एफ आई वी ई फाइव। फिर सिक्स, एस आई एक्स ए सिक्स। इस तरह से सिक्स तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो आपको भी अपनी बुक पर इस तरह से लिख लेना है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, लुक लिसन एंड रिपीट। चलो एक बार हमें इसको लिसन मतलब ये पढ़ना है। ओके, वन ओ एन ई वन, टू टी डब्ल्यू ओ टू, थ्री टी एच आर डबल ई थ्री, फोर एफ ओ यू आर फोर, फाइव एफ आई वी ई फाइव, सिक्स एस आई एक्स सिक्स। तो मैच द नंबर्स विथ द वर्ड्स। चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, वन है तो वन का वर्ड्स ढूंढकर उस पर क्या कर देना है, मैच कर देना है। तो वन, फिर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। चलो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है और यहाँ पे हमारा एक यूनिट वन कंप्लीट हो गया, तो आपको भी अपनी वर्कबुक पर ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, थैंक यू।